हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने वुमेन क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। HPCA ने इंटर डिस्ट्रिक्ट वुमेन क्रिकेट शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शेड्यूल तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। HPCA के इस पहल पर प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों की जिला क्रिकेट एसोसिएशनों ने स्वीकृति भी मिल चुकी है। HPCA के लिए ये गर्व की बात है कि प्रदेश की लड़कियाँ कम संसाधनों के बावजूद अलग मुकाम तक पहुंची है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब HPCA महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने जा रही है। महिला क्रिकेट में पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बेहतर प्रयास रहा है, जिन्होंने पहली महिला एकेडमी शुरू की थी, जिसमें से सुषमा वर्मा, हरलीन कौर और रेणुका ठाकुर वर्तमान में भारत के लिए खेल रही है। महिला क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा योगदान जो हमारा पास्ट प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर जी का रहा है, जिन्होंने देश की पहली अकेडमी यहाँ पे शुरू की थी, और उस अकेडमी में से हमारी तीन लड़कियां सुषमा वर्मा, हरलीन कौर और रेणुका ठाकुर, जो आज भारत के लिए खेल रही हैं। और बड़े सम्मान की बात है हिमाचल क्रिकेट के लिए कि हमारी यहाँ की लड़कियां कम संसाधन की कमी के कारण होने के बावजूद लड़कियां यहां तक पहुंची हैं। आने वाले समय में हम महिला क्रिकेट बढ़ाने के लिए इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, जो कि हमें अब तक लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट से हमें उनकी सहमति आ गई है। शेड्यूल बनाने के अभी तक शुरू कर दी गई है, लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा। डिस्ट्रिक्ट से जब डिटेल आ जाएगी हमें कि कब तक करेंगे, तब फिर इसका टूर्नामेंट हम शुरू कर देंगे। इस समय लगभग हमारे 55 सब सेंटर और 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्रिकेट अकेडमीज चल रही है, और हम चाहते हैं कि जितने सब सेंटर हैं जहां पे आदमी लोग अकेडमी तक ना पहुंच सके या क्रिकेट ग्राउंड तक ना पहुंच सके, अनुराग जी का ये सोच थी कि क्रिकेट को उनके घर तक पहुंचाया जाए। जैसे गांव में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, आने जाने में दिक्कत आती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने सब सेंटर खोले, जो अब तक 55 खुल चुके हैं, और आने वाले समय में इसकी हम गिनती जो है 75 पूरी करेंगे।